बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं कफायत अली भाई हैं, एक सहाफ़ी हैं, बलूचिस्तान से इनका तल्लक है। कफायत भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कफायत भाई आप निजी टीवी से भी मुंसलिक हैं, तो बताएं फिर कैसा माहौल देख रहे हैं इलेक्शन का बलूचिस्तान में? कोई माहौल है? सर्दी तो पंजाब में तो बहुत ज्यादा है, बलूचिस्तान में भी इतनी सर्दी है, क्या इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी तक? देखिए, बलूचिस्तान का मौसम जितना ही सर्द है, सियासी माहौल उतना ही गर्म है। हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां जो ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो उस तरीके से हमने देखा कि सियासी सरगर्मियों का भी आगाज हुआ। पहले उम्मीदवारों की जो छानबीन थी वो उसका सिलसिला जारी था। अब जबकि मरहला जो है वो इंतखाबी निशानात का हो गया और अब तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो अपने हल्के में नजर आ रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को जो है वो बड़े भरपूर तरीके से जो है वो चला रहे हैं। हमें गहमा गहमी नजर आ रही है, खास तौर पर क्वेटा शहर जो कि हब है, यहाँ पर बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत भी है, तो हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फायद भाई, आपका बलूचिस्तान बड़ा मशहूर हुआ था कासिम सूरी की वजह से। पिछली बार उन्होंने असेंबली में जब वो करारदाद मंजूर करवाई थी, तो क्या कासिम सूरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई और कैंडिडेट? तरीके इंसाफ की क्या सूरत हाल है कि आप बलूचिस्तान में किस तरह देख रहे हैं तरीके इंसाफ को? देखिए, जहां तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ताल्लुक है तो हमने देखा था कि जब इस पार्टी का बलूचिस्तान में वजूद हुआ था तो तब से लेकर आज तक ये पार्टियां दो से तीन मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम नजर आ रही थी। पहला धड़ा वो था कि जो पायनियर्स थे, शुरू दिन से जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ थे, जिसमें कासिम सूरी थे, सैयद जहूर आगा थे, इसके अलावा कुछ और अहम लोग थे जो पार्टी के साथ मुंसलिक रहे। फिर एक और धड़ा आया 2018 के इंतखाबात के दौरान सरदार यार मोहम्मद रिंद की शक्ल में, जिनके साथ फिर एक बड़ी तादाद जो इलेक्टेबल्स की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई। जबकि एक और धड़ा ऐसा था कि जो कासिम खान सूरी और इनके जो करीबी रुफका थे, जो इनके साथी थे, उनका एक और धड़ा हुआ। तो ये दो से तीन धड़े थे। यही वजह रही कि 2018 में जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, बलूचिस्तान में इनकी 7 सीटें थी। उस पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ एतराजात सामने आ रहे थे, तहफुजात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुछ धड़ों का ये मानना था कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क्यादत है वो बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही जो धड़ा है उसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है। यही वजह थी कि सरदार यार मोहम्मद रिंद, जो कि यहाँ पर पार्टी के सूबाई सदर भी थे, वो भी नाला रहे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क्यादत की वजह से। और फिर जब इस हुकूमत का आखिरी वक्त था, यानी कि हमने देखा कि जब इंतखाबात नए इंतखाबात का दौर आ रहा था और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मरकज में मुश्किलात थी, तो उससे पहले ही यहाँ के जो सूबाई सदर थे सरदार यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने पार्टी को खैराबाद कह दिया था। जहां तक कासिम सूरी का ताल्लुक है तो कासिम खान सूरी क्योंकि मरकज में थे, वो डिप्टी स्पीकर रहे कौमी असेंबली के, तो उनका इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान में ज्यादा था। यही वजह रही कि उनका जो उनके जो करीबी रुफका थे, जो उनके साथी थे देरीना, उनको ज्यादा अहम जो यहाँ पर ओहदे थे वो मिले। यही वजह थी कि सरदार यार मोहम्मद रिंद ने पार्टी से राहें जुदा की और उसके बाद फिर बाकी झूंझू सानिया। जब 9 मई का वाकया हुआ तो हमने देखा कि उसके बाद बेशतर जो उनके पार्टी के जो लोग थे वो पार्टी को खैराबाद कह दिया। खुद कासिम सूरी कई अरसे तक जो है वो रूपोश रहे और फिर जब ये वाले इंतखाब है अब तो उनकी तरफ से कागजात नामजदगी उनके वकील की तरफ से जमा तो करवाए गए, तहम रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात पर यह एतराज लगाया कि वो 9 मई के इस वाकये में मुलविस हैं और इस वक्त रूपोश हैं, इश्तियारी हैं, तो उनके कागजात नामजदगी को रिजेक्ट किया गया। जबकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था जिसमें इन तमाम तर आरोस के फैसले के खिलाफ दरखास्तें जमा करवानी थी, उसमें हमने देखा कि कासिम खान सूरी की जानिब से आरोस के उस फैसले के खिलाफ जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो मुकर्रा वक्त दिया गया था उसमें कोई एप्लीकेशन दायर नहीं की गई, तो जिसकी वजह से कासिम सूरी जो के पिछले इंतखाबात में यहाँ की जो क्वेटा शहर की जो सीट थी NA 263 यहाँ से कामयाब हुए थे, वो इस पूरे प्रोसेस यानी कि इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो गए। फायद भाई, मुस्लिम लीग नून ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। पिछली दफा आसफ अली जरदारी की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, फिर एक नई पार्टी का जन्म हुआ था, बाप पार्टी, नेशनल बलूचिस्तान पार्टी भी है। किस तरह देखते हैं आने वाली हर हुकूमत में बलूचिस्तान से कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो हुकूमत बनाने में बड़ी मददगार साबित होती हैं, जिससे वो अपना हिस्सा भी ले पाते हैं। हमने देखा है कि बलूचिस्तान हमारा सूबा काफी देर से बहुत पीछे रह गया है, लेकिन क्या ये सियासतदान बलूचिस्तान को आगे नहीं लाना चाहते? क्या इसका हल है? क्या तरीकाकार है? क्या आवाम को किस तरह के अपने हुक्मरान चुनने चाहिए? देखिए, मैं जहां तक मेरा तजिया वो ये है कि हमें सबसे पहले बलूचिस्तान की सियासत को समझना होगा। यहाँ पर जिस तरह दीगर सूबों में हम देखते हैं कि पार्टीज की सियासत है, लोगों के नजरियात है, यहाँ पर उस तरह से नहीं है। यहाँ पर हमेशा इलेक्टेबल्स की सियासत है। वो लोग, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान का सूबा है इसमें
बलोच इलाके भी हैं, इसमें पश्तून इलाके भी हैं, इसमें शहरी इलाके की जहां पर हर तरह के लोग आबाद हैं, यानी कि बलोच, पश्तून, हजारा, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, तो ये इस तरह का एक सूबा है जो हम देख रहे हैं कि बलोच पश्तून सूबा कहा जाता है। इसमें ज्यादातर जो सियासी जमातें होती हैं उनका फोकस ये होता है कि हर इंतखाबात में वो ऐसे इलेक्टेबल्स जो हमेशा से अपने इलाकों की सीट जीतने में कामयाब रहते हैं, उन इलेक्टेबल्स को जो है वो अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। यही वो एज होता है कि जो मरकज में हुकूमत बनाने की जो कोशिश में होती है, जो पोजीशंस में होती है, तो वो इन इलेक्टेबल्स को ढूंढ ढूंढ कर अपनी पार्टी में शामिल करती है। 2018 में हमने देखा था कि वो तमाम लोग, वो तमाम इलेक्टेबल्स के पर मुश्तमिल एक सियासी जमात का जन्म हुआ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। लोगों में खास तौर पर बलूचिस्तान में ये भी खुशी थी कि चलो नेशनल लेवल की एक ऐसी जमात बन रही है जिसका नाम भी बलूचिस्तान पर है, मतलब हमें जो कौमी सतह की हामिल पार्टियां हैं उनकी तरफ नहीं देखना पड़ता। हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों का ये गिला रहा कि मरकज में तवज्जो सबसे बड़ी दी जाती, तो हमने जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जन्म हुआ तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूंकि यहाँ के लोगों पर मुश्तमिल जमात है और ये हुकूमत में हुकूमत साजी में इसका अहम रोल रहा, अहम जो है वो इसको नशस्तें मिली, तो शायद ये मसाइल हल करने में संजीदा होंगे। तहम अवाम को हमेशा की तरह इस बार भी मायूसी इस तरह से हुई कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब मरकज में भी सीटें हासिल करने में कामयाब हुई, बलूचिस्तान में उसकी हुकूमत बनी, तो तब भी वो अंदरूनी इख्तलाफात के बायस जो है वो बलूचिस्तान के जो एक्चुअल मसाइल थे, जो रियल मसाइल थे, जो आज तक जहां पर बुनियादी मसाइल के हवाले से यहाँ के शहरी जो है वो पसमानदा है, यहाँ के शहरी नाला नजर आते हवाले से, वो हल नहीं हुए। और यही वजह थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस इंतखाबात में वो तितर बितर हो गई, उसके तमाम तर जो इलेक्टेबल्स थे वो मुख्तलिफ कौमी सतह की हामिल जमातों में एक बार फिर चले गए। जहां तक दूसरी बात है वो ये कि बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों का भी एक बड़ा स्टेक है हमेशा से। यहाँ पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का स्टेक है, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो मजहबी जमात है उसका स्टेक है, यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेक है, यहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल का, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, जो कौमी जो ये तमाम तर जमातें जो कौम परस्त जमात है जिनको हम कहते हैं, तो उनका एक बड़ा स्टेक है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में कभी भी किसी एक जमात को उस तरह से मेजोरिटी नहीं मिली सिवाय बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, चूंकि वो तमाम इलेक्टेबल्स को लेकर उसने एक जमात बनाई थी। तो बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत बनेगी उसमें अवामी नेशनल पार्टी भी आपको नजर आएगी, उसमें हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी आपको नजर आएगी, आपको उसमें मजहबी जमात नजर आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती, और फिर कौमी सतह की भी चंद नशस्तें आपको नजर आएंगी। तो हमेशा से ऐसा होता रहा कि बलूचिस्तान में चूंकि मखलूत हुकूमत बनी, 3 से 4 जमातों के तहत से हुकूमत बनाई जाती है, तो उस वजह से लोग अपने मुफादात की खातिर, जो लोग अहले इक्तदार होते हैं, जो लोग इक्तदार की कुर्सियों पर बैठते हैं, वो चाहे इसके की बजाय इसके कि आवाम के मसाइल हल करें, वो अपने जाती जो मकासद है उनके हसूल में लग जाते हैं, और फिर यही पार्टीज की सियासत जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखती है, बलूचिस्तान के लोगों को बाकी सूबों से पीछे रखती है। आज भी बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि क्वेटा शहर जो सूबाई दारुलहुकूमत है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, यहाँ पर स्कूल्स मौजूद नहीं है अच्छे, यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है उनकी सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर शायद एक डिस्प्लिन की गोली तक मैसर ना हो। यही वजूहत है कि हुकूमत जो यहाँ पर इक्तदार में आने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से उनका ताल्लुक हो, वो मसाइल के हल में संजीदा नजर नहीं आते। फायद भाई, कभी आप बलूचिस्तान को बड़ी करीबी से जानते हैं, कोई ऐसी पार्टी क्यों नहीं है जो अपने तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ी कर सके, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, क्या कोई अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की कोई ऐसी पार्टी है जो तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर सके, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि चूंकि बलूचिस्तान को अगर हम रकबे के लिहाज से देखें, हम इसकी जुग्राफियाई जो इंपॉर्टेंस है उसको देखें, तो बलूचिस्तान के जो एक तरफ जो है वो तमाम तर बलोच इलाके हैं, इन बलोच इलाकों में कुछ इलेक्टेबल्स हैं, और वो इलेक्टेबल्स की जो हमेशा से ही बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने या गिराने में उनका अहम रोल रहा। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं कि जो हमेशा से बलूचिस्तान की सियासत में बड़ा डोमिनेट किए हैं और उनको हमेशा से हम देखते हैं कि उनकी बड़ी अहमियत है। इनमें मक्सीज हैं, इनमें जमालीज हैं, इनमें रहसानीज हैं, ये वो तमाम ट्राइब्स हैं, और इन तमाम ट्राइबल लीडर्स जो हैं ये इनका बड़ा की रोल रहा। दूसरी तरफ पश्तून इलाके हैं, उन पश्तून इलाकों में हम देख रहे हैं कि कॉम्प्रेस जमातों के साथ साथ मजहबी जमात यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती, जमात इस्लामी और दीगर जो अवामी नेशनल पार्टी की हमें जो कॉम्प्रेस जमात है इनका भी होल्ड रहा। तो इसीलिए यही वजह है कि बलोच पश्तून अलग अलग इलाके होने की वजह से यहाँ पर कोई एक ऐसी जमात नहीं बन सकी कि जो पूरे बलूचिस्तान में अपने ना सिर्फ उम्मीदवार खड़े कर सके बल्कि वहां पर कामयाब भी हो। हमने देखा कि पश्तून आबाद इलाकों में मजहबी जमात की नशस्तें भी आती हैं, कॉम्प्रेंस जमातों की नशस्तें भी आती हैं, इसी तरह से जो बलोच इलाके हैं
वहां पर भी कॉम्प्रेस जमातों की सीटें आती हैं, और साथ ही साथ जो मरकजी सतह की हामिल जमातें हैं यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, तो इनकी सीटें भी आती हैं। तो इस वजह से शायद बलूचिस्तान में उस तरह से एक हुकूमत का क्याम कभी भी अमल में नहीं आया गया, और यही वजह थी कि यहाँ पर जो एक ऐसी जमात की जरूरत थी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नजर में लोगों को नजर आ रही थी, तहम उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, और यही वजह थी क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्टेबल्स शामिल हो गए थे, तो उसमें फिर इख्तदार की जंग जो थी वो फौकियत पा गई और जो अवामी मसाइल थे, जो बुनियादी इशूज थे, वो दूर चले होते गए। और दो धड़े ऐसे थे कि जिसमें दो साबिक वज़रा आला, जिसमें अब्दुल कदूस बज़ेंजो का एक धड़ा था बहुत स्ट्रांग, और एक धड़ा जो था वो जाम कमाल के हिमायती और उनके करीबी रुफका का था, तो इसने पार्टी को बहुत शदीद नुकसान भी पहुंचाया। और यही वजह थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब इस 2024 के इंतखाबात में हमें उस पोजीशन में नजर नहीं आएगी जो 2018 के इंतखाबात में हमें नजर आ रही। फायद भी बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे सिर्फ आपसे जाते जाते, क्या आपको बलूचिस्तान के माहौल देख के इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे? देखिए, जहां तक मुख्तलिफ इबहाम थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों का भी ये कहना था कि जी इंतखाबात को कुछ आगे बढ़ा दिया जाए, मौसम एक सबसे बड़ी सख्ती तसव्वुर की जा रही थी, क्योंकि ये जो टाइम है जनवरी फरवरी का, यहाँ पर बलूचिस्तान के जो बलाई इलाके हैं इनमें शदीद सर्दी, बर्फबारी, बारिशों का सीजन ये कहलाया जाता है, हर साल इस तरह होता है। इसके अलावा खास तौर पर अमन अमान की जो मखदूश सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले दो उम्मीदवारों पर कातिलाना हमले हो चुके हैं, तो ये अहम सियासी जमातों का ये एक उनका वो था स्टांस कि यहाँ पर चूंकि अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, सेकेंडली मौसम की तलखी जो है वो वोटर्स को घर से निकलने और फिर बैलेट बॉक्स तक अपने हक रायदेही को इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश करेगी। तमाम इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, हमने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया, उस पर अब जो सूरत हाल है वो यही लग रहा है कि इंतखाबात होंगे। चूंकि हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से जब बात की जो इलेक्शन के हक में थी, वो कह रही है कि इससे भी ज्यादा सख्त मौसम में इंतखाबात हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा मखदूश सूरत हाल में अमन अमान की इंतखाबात हो सके हैं, तो ये फिर ऐसा माहौल है कि जहां पर होने चाहिए, और हर सियासी जमात को इस जमहूरी अमल का साथ देते हुए इलेक्शन की इस गहमा गहमी में अपना हिस्सा डालना होगा। फायद भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम दिया और बलूचिस्तान की सियासत पे हमें तफसीली आगाह किया। इंशाल्लाह इलेक्शन के करीब भी हम आपको थोड़ी बहुत सहमत देंगे और पूछेंगे क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।